सभी साथियों को जैकसान। साथियों, आज 18 अप्रैल है और दिन है मंगलवार। जैसा कि रोज अपने इस समय फसल भाव के ऊपर साथियों चर्चा करते हैं, आज भी चर्चा करेंगे। साथियों, मुख्यतः चर्चा करें कि सरसों के अंदर जो है तेजी क्यों नहीं बन रही है, सरसों के अंदर जो तेजी नहीं बनने का क्या कारण है। चर्चा थोड़ी कॉटन के ऊपर करेंगे, भाव जो है लगभग स्थिर हो गए हैं। आज भी भाव जो है बिल्कुल कल वाले भाव जो थे वो बिल्कुल यथावत साथियों रहे हैं। ग्वार के अंदर भी कोई बहुत बड़ी तेजी आज नहीं बनी है साथियों, चर्चा इसके ऊपर भी करेंगे। और साथ ही साथ साथियों चर्चा करेंगे गेहूं का जो MSP के ऊपर खरीद है वो कब होने की संभावना है और उसके अंदर आगे क्या जो रह सकता है साथियों, चर्चा इसके ऊपर भी करेंगे। और थोड़ी सी चर्चा करेंगे साथियों जौ के ऊपर जाते जाते। तो सबसे पहले साथियों चर्चा करें सरसों की। काफ़ी साथियों के कमेंट भी आते हैं और काफ़ी साथी पूछते हैं कि जौ के अंदर और गेहूं के अंदर जो है अब थोड़ा थोड़ा सुधार होने लगा है, लेकिन सरसों के भावों के अंदर जो है सुधार क्यों नहीं हो रहा है। एक तो सरसों में एक अच्छी खबर ये है साथियों कि पाम ऑयल के अंदर थोड़ी सी रफ्तार बनती हुई नज़र आ रही है, थोड़ी सी तेजी जो है नज़र आ रही है पाम ऑयल के अंदर। थोड़ा सा सुधार हुआ है पिछले एक दो दिन के अंदर, जिसका जो है असर थोड़ा बहुत अपने बाजारों के ऊपर देखने को मिल सकता है। दूसरा, इंडोनेशिया और जो दूसरे देश हैं जो मुख्यतः जो पाम ऑयल के जो गढ़ हैं, जिस जो स्टेशन हैं, हब हैं, वो बड़े हब हैं, जो वहाँ पर जो है पाम ऑयल जो है उसकी जो है वहाँ पर थोड़ी किल्लत नज़र आ रही है। तो इस वजह से भी थोड़ा बहुत जो है सुधार आगे चल के सरसों के अंदर बनना चाहिए। बड़ा सुधार तो नहीं बनेगा, लेकिन थोड़ा बहुत सुधार लगता है कि थोड़ा बहुत बनना चाहिए साथियों। अब सरसों के अंदर तेजी क्यों नहीं आ रही है और गेहूं के अंदर तेजी क्यों आ रही है, इसका एक सीधा सा हिसाब ये भी है साथियों कि सरसों एक एडिबल ऑयल है, खाद्य तेल है जो सरसों से निकलता है, एक खाद्य तेल निकलता है। और इसके साथ साथ सोयाबीन, दूसरा मूंगफली, तीसरा जो मेन है वो ये पाम ऑयल, और भी जो है अरंडी का तेल, काफ़ी जो तेल हैं, यानी कि इसके साथ साथ स्पोर्टिव क्रॉप्स हैं, दूसरी जो है सहायक फसलें हैं। अगर सरसों का तेल जो है कम बिक रहा है, उसका भाव कम है, तो उसका मेन कारण ये भी है साथियों, क्योंकि उसके साथ जो है और भी अन्य तेल हैं, खाद्य तेल हैं, जिनका प्रयोग किया जा रहा है। और खास करके ब्याह शादियों के अंदर जो पाम ऑयल का इतना ज़्यादा यूज होने लग गया है, हालांकि हार्ट के लिए, सेहत के लिए बहुत नुकसानदायक है, लेकिन फिर भी लोग सरसों का तेल नहीं लेके पाम ऑयल की तरफ जो है बहुत ज़्यादा जो है भाग रहे हैं। उसकी वजह से पाम ऑयल की डिमांड ज़्यादा है और बाहर से जो है भारत काफ़ी दूसरे देशों से जो है पाम ऑयल बड़ी मात्रा के अंदर जो है खरीदता है। अब गेहूं का अल्टरनेट कोई नहीं है, गेहूं की रोटी बनती है, खाना बनता है, उसका अल्टरनेट और कोई भी नहीं है। उसकी जगह रोटी तो आप गेहूं की बनाओगे और किस चीज़ की बनाओगे। चलो पुराने जो बुजुर्ग थे वो बाजरे की रोटी बना लेते थे या मान लो मक्के की रोटी बनाते, लेकिन इस जो गेहूं का अल्टरनेट है वो कोई अल्टरनेट नहीं है, गेहूं का कोई दूसरा तोड़ नहीं है। तो गेहूं में एक फसल में भी काफ़ी नुकसान है, तो इसलिए इसके अंदर तेजी जो है बननी चाहिए साथियों। एक बात करें साथियों सरसों के अंदर, तो आज जो है कोई बहुत बड़ी तेजी सरसों के अंदर नहीं आई है। सलोनी ने 25 रुपए भाव तोड़ा है, बाकी जो है स्टेशन लगभग स्टेबल ही है। कोई बहुत बड़ी तेजी आज सरसों के अंदर देखने को नहीं मिली, ना ही कोई बहुत बड़ी मंदी देखने को मिली साथियों। सिरसा में 5,115 रुपए, नोहर 4,926, मेड़ता मंडी के अंदर 5,000 रुपए, निवई के अंदर 5,200, कैथल 5,275, हिसार के अंदर 5,025 रुपए, दिल्ली 5,550, सलोनी 5,975, यहाँ 25 रुपए और डाउन हुए आज। जयपुर 5,575 रुपए का भाव शाम को बताया जा रहा है, लेकिन अभी का भाव जो है वो 5,550 रुपए साथियों। भरतपुर 5,175 और विजयनगर के अंदर जो है 4,807 रुपए साथियों आज जो है सरसों बिकी है। तो लगभग मंडियों में कोई बहुत बड़ी तेजी सरसों में साथियों नहीं है। कॉटन की बात करें तो कोई तेजी नहीं, कॉटन के भाव अब स्थिर होने लगे हैं और स्थिर ही रहेंगे। जब अब पीछे भाव 8,200-8,300 गए थे तो आप सबसे विनम्र निवेदन किया था कि साथियों आपको यहाँ पर अपनी 70-80% का सौदा जो है फसल का करना चाहिए, और काफ़ी साथियों ने जो है सौदा किया भी है। अभी आवकें थोड़ी सी कम हो रही हैं, इनका एक आगे चल के हो सकता है थोड़ा बहुत सुधार भी 100-125 रुपए का बढ़ना चाहिए साथियों। इससे बड़ी तेजी कॉटन में अब एक बार इस सप्ताह में तो बिल्कुल भी दिखाई जो है नहीं दे रही है। आदमपुर के अंदर 8,027, विजयनगर 8,100, जैसर 8,076, सिरसा के अंदर 7,975, अबोर के अंदर 7,790, रावसर के अंदर 8,150, पीलीभीत के अंदर 8,000
70 रुपये, संगरिया 8,070 रुपये और हनुमानगढ़ के अंदर 8,050 रुपये साथियों आज जो है कॉटन बिका है। ग्वार के अंदर कोई तेजी नहीं साथियों, बहुत ही विनम्र आपको निवेदन किया था, कल भी कहा था कि ग्वार में इस सप्ताह की बहुत बड़ी तेजी बनती हुई नजर नहीं आ रही है। गेहूं और जौ के अंदर थोड़े थोड़े भाव अब सुधरने लगे हैं। अगर प्रॉपर तरीके से गेहूं की जो उम्मीद है कि खरीद अभी कल परसों तक शुरू होनी चाहिए साथियों, बड़ा नुकसान किसान कम्युनिटी का हो रहा है। अभी शाम को एक मैसेज भी वायरल हो रहा था कि शायद कल कुछ धान मंडियां बंद भी रहेंगी, तो सारी तरफ से प्रेशर डालने की कोशिश तो की जा रही है साथियों, और उम्मीद है कि गेहूं की जो खरीद है वो जल्दी शुरू होगी। और जौ के अंदर भी थोड़ा बहुत जो साथियों सुधार बनता हुआ नजर आ रहा है। मौसम के बारे में काफ़ी साथी पूछा करते हैं, मौसम साथियों 2 दिन काफ़ी खराब बताया जा रहा है लगभग जो राजस्थान के अंदर लगभग जो जिले हैं उनके अंदर साथियों। तो मिलेंगे साथियों कल 8:30 बजे, तब तक के लिए किसान एकता जिंदाबाद।